हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल दत्ता और आज हम लोग झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची के बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन जो कि 2022 को पूछा गया है इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ड्रॉ इक्विवेलेंट थेवेनिन इलेक्ट्रिकल सर्किट अक्रॉस ए बी ए एंड बी ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। ऑल्सो फाइंड आउट द करेंट फ्लोइंग थ्रू द ए बी सेक्शन। तो क्वेश्चन का कहना है कि थेवनिन्स का यूज करके हमको ए बी सेक्शन का करेंट को फाइंड करना है और थेवनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट को भी ड्रॉ करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। स्टेप वन हम लोग का क्या था। स्टेप वन, आइडेंटिफाई द लोड रेजिस्टेंस, आइडेंटिफाई द लोड रेजिस्टेंस। तो आप देख के बता सकते हैं लोड रेजिस्टेंस क्या है। मैंने क्या बताया था, लोड रेजिस्टेंस ऐसा रेजिस्टेंस को कहा जाता है जिसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी निकालने को बोला जाए। तो जैसे यहां पर देखिए ए बी सेक्शन के अक्रॉस का करंट पूछा गया है, इसका मतलब ए बी सेक्शन में कौन लगा हुआ है, 1 ओम रेजिस्टर। इसका मतलब क्या है कि 1 ओम रेजिस्टर ही हम लोग का क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। तो लोड रेजिस्टेंस आर एल इक्वल टू 1 ओम। होपफुली आप लोग को ये स्टेप समझ में आया होगा। स्टेप वन इज नथिंग बट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोड रेजिस्टेंस विच इज 1 ओम। ठीक है, स्टेप टू क्या है। स्टेप टू इज कैलकुलेट थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, कैलकुलेट थेवेनिन्स रेजिस्टेंस एंड वी नो हाउ टू डिनोट थेवेनिन्स रेजिस्टेंस आर टी एच। ठीक है, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों ने क्या बताया था। पहला, ओपन सर्किट द लोड रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस को ओपन करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं, डीएक्टिवेट ऑल द एक्टिव सोर्सेस, डीएक्टिवेट ऑल द एक्टिव सोर्सेस। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट द लोड रेजिस्टेंस एंड डीएक्टिवेट ऑल द एक्टिव सोर्सेस। अगर इस दो स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं तो ये जो मेरा सर्किट है ये दिखने में कैसा हो जाएगा। देखिए यहां पर ये रेजिस्टेंस है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, ये सेक्शन ए है, ये बी है। ए बी के अक्रॉस मेरा क्या लगा हुआ था, लोड रेजिस्टेंस, जिसको हमको क्या करना होता है, ओपन सर्किट। तो मैंने ओपन सर्किट कर दिया, खोल दिया वहां से। फिर से देखिए यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस है और यहां पर क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है। यहां पर क्या है, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स को क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किट डीएक्टिवेट करना हमने सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, तो आप देख सकते हैं। तो वोल्टेज सोर्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, देखिए ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। सिमिलरली देखिए यहां पर क्या है, करंट सोर्स, तो करंट सोर्स को क्या किया जाता है, ओपन सर्किट। तो चलिए करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं। ओपन का मतलब क्या होता है, उसको सर्किट से खोल के हटा देना। ठीक है, इसको ओपन कर दिया। चलिए बाकी तो और कोई छेड़छाड़ इस सर्किट में नहीं करना है। चलिए बहुत बढ़िया, ये कितना था, 2 ओम, ये है 1 ओम, ये भी है आपका 2 ओम और ये मेरा सर्किट बन गया। ठीक है, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन सर्किटेड पोर्शन। मतलब क्या है कि लोड रेजिस्टेंस को जहां से हम लोगों ने ओपन किया था उसके अक्रॉस से पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, यही मेरा क्या होता है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो
तो आप लोग थोड़ा गौर से इस सर्किट को अगर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा सर्किट दिखेगा। देखिए ये सेम सर्किट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसमें ये है 2 ओम रेजिस्टर, ये है 1 ओम रेजिस्टर, ये है 2 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको पता चला कि इसके अक्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ये दोनों सीरीज में और ये पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इस सर्किट का, देखिए आर इक्विवेलेंट ही आर थेवेनिन कहलाता है, और यहां पर हम देख पा रहे हैं आर इक्विवेलेंट कितना है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, मतलब 2+1 सीरीज का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 2+1। और ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है ये इस पूरे के साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल में 2 ओम, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, 3 पैरेलल 2। ठीक है, अब 3 पैरेलल 2, दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, 3 × 2 / 3+2। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे लिए, 3 × 2 = 6, 3+2 = 5, तो R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 6/5 ओम। ठीक है, तो आपका R थेवेनिन कितना आ गया, यहां से R थेवेनिन इज 6/5 ओम। होपफुली ये स्टेप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, थर्ड स्टेप को फॉलो करते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या था हम लोगों के लिए, स्टेप 3। स्टेप थ्री आप अगर प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने क्या बताया, कैलकुलेट थेवेनिन्स वोल्टेज। थेवेनिन्स वोल्टेज को डिनोट कैसे किया जाता है, VTH। ठीक है, VTH। तो थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करने का भी दो प्रोसीजर था, क्या क्या था, नंबर 1 ओपन सर्किटेड द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ओपन सर्किट द लोड रेजिस्टेंस। और पॉइंट प्रोसीजर 2 क्या था, कैलकुलेट द ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। इसका मतलब यह है कि जहां पर लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था उसको हम लोग को ओपन कर देना है फिर से, और उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम लोग का सर्किट कैसा लगेगा दिखने में, तो हम लोग का सर्किट कैसा हो जाएगा अगर इस दोनों स्टेप को फॉलो किया जाए, देखिए ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली क्या करना होता है, VTH कैलकुलेट करना है, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब यहां के वोल्टेज को कैलकुलेट करना है, VTH। ठीक है, होपफुली आप लोगों को यह समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है ये VTH को कैसे हम लोग कैलकुलेट करें। ठीक है, तो देखिए VTH कैलकुलेट करने के लिए ऐसे तो बहुत सारे प्रोसीजर हैं, लेकिन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था नोडल एनालिसिस इज द बेस्ट अप्रोच टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो चलिए नोडल एनालिसिस लगाते हैं, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस, देखिए नोडल एनालिसिस आप लोग कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस में हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले नोड काउंट करना होता है, इस पूरे सर्किट में कितने नोड्स हैं। तो आप लोग हमको बताइए इस सर्किट में कितने नोड हैं। तो एकदम सही, इसमें 2 नोड है, एक नोड ये है और एक ये बड़ा वाला नोड है, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। ये नोड 1 है और ये पूरे वाला क्या है, नोड 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है नोडल एनालिसिस का, जितना भी नोड है उसके अक्रॉस के वोल्टेज को हमको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो मान लेते हैं नोड 1 का वोल्टेज है V1 एंड नोड 2 का वोल्टेज है V2। ठीक है, मेरे पास 2 नोड है, 2 नोड के वोल्टेज को हमने मान लिया V1 एंड V2। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जितने भी नोड वोल्टेज है उसमें से एक वोल्टेज को जीरो मान सकते हैं, जिसको हम लोग कौन से वोल्टेज के नाम से जानते हैं, रिफरेंस वोल्टेज या फिर रिफरेंस नोड। तो मान लेते हैं वी टू इज इक्वल टू जीरो, इसी को बोला जाता है रेफरेंस नोड। ठीक है, चलिए यह है हम लोग का क्या रेफरेंस नोड। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास सिर्फ एक ही नोड है, ठीक, क्या है वी वन, तो हमको सिर्फ एक ही बार नोडल लिखना है। तो चलिए नोडल लिखना शुरू करते हैं। तो नोडल कैसे लिखेंगे, अगर मान लीजिए इस ब्रांच के लिए लिखना है, वन ओम वाले ब्रांच के लिए अगर हमको नोडल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, वी वन माइनस जीरो अपॉन वन, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, फाइन। चलिए अब देखिए इस ब्रांच के लिए क्या हमको नोडल लिखने का जरूरत है, नहीं, बहुत बढ़िया, क्यों, क्योंकि ये एक करंट सोर्स ब्रांच है और ये करंट सोर्स जो है करंट को इनवर्ड डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनवर्ड मतलब क्या आ जाएगा, माइनस टू एम्पियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो दो ब्रांच के लिए मैंने लिख लिया, बचा कौन सा ब्रांच, देखिए ये बड़ा वाला ब्रांच बचा है, इसके लिए भी लिख लेते हैं। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, प्लस वी वन माइनस टेन माइनस जीरो अपॉन रेजिस्टेंस, तो देखो तो रेजिस्टेंस कितना है, टू एंड टू मतलब चार, कितना है चार, क्या और कोई ब्रांच है, नहीं है, तो इसका मतलब आपका नोडल लिखना खत्म हो गया। ठीक है, होपफुली आपको ये स्टेप बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो दिखने में कैसा हो जाएगा, देखिए वी वन अपॉन वन इज नथिंग बट वी वन माइनस टू प्लस, इसको लिख सकते हैं क्या, वी वन बाई फोर माइनस टेन बाई फोर इज नथिंग बट टेन बाई फोर इज नथिंग बट वॉट, फाइव अपॉन टू, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए तो यहां वी वन एंड वी वन बाई फोर दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, फाइव वी वन बाई फोर, ठीक है। चलिए सिमिलरली यहां देखिए माइनस टू एंड माइनस टू पॉइंट फाइव, तो माइनस टू एंड माइनस टू पॉइंट फाइव इज फोर पॉइंट फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फाइव वी वन बाई फोर, फोर पॉइंट फाइव अगर उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस फोर पॉइंट फाइव, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा कीजिए, फाइव वन जा फाइव, इसको 0.9 टाइम्स, ठीक है, 0.9 टाइम्स, तो यहां से आपका क्या हो गया, वी वन इज इक्वल टू 3.6 वोल्ट, ठीक है, 3.6 वोल्ट, वी वन का वैल्यू कितना आ गया, 3.6 वोल्ट, ठीक है। लेकिन हम लोगों तो वी वन नहीं कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, वी टी एच, ठीक है। तो चलिए वी टी एच कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको VTH निकालना है तो इस छोटे वाले लूप में KVL लगाइए, आपको पता चल जाएगा VTH कितना है। तो छोटे वाले लूप में अगर KVL लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए तो अप्लाइंग KVL एट लूप वन, मान लेते हैं ये क्या है, लूप वन, ठीक है। तो लूप वन में अगर हम लोग KVL लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहां का वोल्टेज कितना है, यहां का वोल्टेज वी वन, तो लिखेंगे वी वन माइनस यहां से या इससे कितना करंट फ्लो करेगा, मान लेते हैं आई, कितना करंट, मान लेते हैं आई, ठीक है, कितना मान लेते हैं आई, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटू आई, ठीक है, उसके बाद कौन है, वी टी एच है, तो माइनस वी टी एच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हम लोगों ने सिंपली क्या किया है, अप्लाई किया है केवीएल इस लूप में, तो हम लोगों को क्या मिला, वी वन माइनस टू आई माइनस वी टी एच इज इक्वल टू जीरो। तो आपने तो अभी अभी वी वन का वैल्यू निकाला है, वी वन का वैल्यू कितना है, 3.6 माइनस टू। अब आई कैसे निकालें, आई तो आपको पता है नहीं, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपको आई पता चल जाएगा, इसीलिए तो मैंने बताया नोडल एनालिसिस इज बेस्ट अप्रोच। आपको I निकालना है, I का डायरेक्शन क्या है, यह है, ठीक है। तो I इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस।
तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां पर देखिए, तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो आप बताइएगा पोटेंशियल डिफरेंस है सर V1 माइनस 10 माइनस 0 अपॉन 4, ठीक है। होपफुली आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 माइनस 10 माइनस 0 अपॉन 4, ठीक है। तो यहां से हमको क्या कैलकुलेट हो गया, यहां से मेरा कैलकुलेट हो गया करंट माइनस VTH इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब फिर से देखिए 3.6 माइनस 2, V1 को आप फिर से क्या ले सकते हैं 3.6 माइनस 10 अपॉन 4, ठीक है, माइनस VTH इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते हैं, देखिए तो कितना होता है, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए 3.6 माइनस 2 1 2 2 2 4, तो यहां से हो गया 3.6 माइनस 10 कितना हो जाता है 6.4, 6.4 माइनस 6.4 अपॉन 2 माइनस VTH इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.6 माइनस माइनस इज प्लस, 2 1 2 2 3 6 पॉइंट 2 2 4, तो इसको लिख सकते हैं 3.2 इज इक्वल टू माइनस VTH, अगर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस VTH, ठीक है। तो इसका मतलब VTH आपके पास कितना आ गया 6 प्लस 2 इज 8 पॉइंट 3 एंड 3 इज 6, 6.8 वोल्ट, 6.8 वोल्ट। होपफुली आपको ये स्टेप बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हम लोग का क्या होता है थेवेनिन्स में, लास्ट स्टेप है स्टेप फोर। स्टेप फोर क्या होता है, ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसा दिखने में होता है, एक वोल्टेज सोर्स जिसका वैल्यू VTH के बराबर होता है, ठीक है, एक रेजिस्टर जिसका वैल्यू RTH के बराबर होता है, ठीक है ना, और ये मेरा क्या हो जाता है टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। तो RTH हम लोग का कितना आया था 6/5 ओम, ठीक है। तो हम लोग का VTH अभी कितना आया 6.8 वोल्ट, तो ये मेरा क्या हो गया थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अब ये जो टर्मिनल है ए एंड बी, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस जिसको अब तक हम लोगों ने खोल के रख दिया था उसको हम लोग लगा देंगे, जो कि था 1। तो क्या हम लोग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो आंसर है नहीं, एक स्टेप थोड़ा सा और बाकी है, ठीक है। क्या है, हमको बेसिकली क्वेश्चन में बोला गया था जब फाइंड द करंट अक्रॉस द 1 ओम रजिस्टर या फिर लोड रजिस्टर, तो इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है आई अमाउंट ऑफ करंट, ये आई अमाउंट ऑफ करंट ही इस 1 ओम से फ्लो करेगा। तो हम लोग बहुत इजीली इस करंट आई को फाइंड कर सकते हैं, कैसे देखिए, तो हम लोग को लिखना होगा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, हमको निकालना है क्या करंट अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टर, तो करंट इज नथिंग बट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितना है 6.8 और रेजिस्टेंस कितना है देखिए तो 6/5 एंड 1, और ये दोनों किसमें है सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 6/5 प्लस 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो 6.8 इसको लिख सकते हैं कितना 11/5, तो यहां से I इक्वल टू कितना हो गया 6.8 1 × 11। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए तो इससे आ जाएगा आपका 34 ना, ठीक है 34 अपॉन 11, तो 34 अपॉन 11 कितना हो जाता है 34 अपॉन 11 इज नथिंग बट 3 times 0.09 एम्पियर, तो ये हम लोग का क्या हो गया ओवरऑल आंसर। तो होपफुली ये स्टेप आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।